अक्टूबर के महीने में रिलीज होने वाली कुछ बहुत ही कमाल की वेब सीरीज और मूवीज की बात आज हम लोग करने वाले इस वीडियो में उनकी रिलीज डेट्स के साथ। तो यारों पता तो होगा कि अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है या फिर हो चुका, डिपेंड करता है कि आप लोग मेरा ये वीडियो कब देख रहे हो, किस दिन देख रहे हो। तो फिर आज हम लोग जो है ना इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले उन सारी वेब सीरीज और मूवीज के बारे में जो कि रिलीज होने वाली है अक्टूबर के महीने में। अब देखो अक्टूबर के महीने में जो है ना बहुत सारी वेब सीरीज और मूवीज रिलीज होने वाली है, लेकिन सबका नाम नहीं लेने वाला। जो वेब सीरीज और मूवीज आपके काम की होगी, जो वेब सीरीज और मूवीज मेरे काम की होगी, मैं सिर्फ उन्हीं के नाम बताने वाला हूं उनके रिलीज डेट्स के साथ। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं 1 अक्टूबर से, यानी कि अक्टूबर का पहला दिन। और फिर जो है ना इस दिन रिलीज होने वाला, यानी कि फ्राइडे को रिलीज होने वाला एक मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर, और इस मूवी का नाम है शिद्दत। अब शिद्दत से आपको पता चलेगा कि इस मूवी का जॉनर क्या है, क्योंकि ये जो है ना एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें कि आपको रोमांस भी दिखने को मिलने वाला, उससे रिलेटेड जो है ना बहुत सारे टर्म्स भी देखने को मिलने वाले। तो फिर इसे देखना मत भूलना डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर 1 अक्टूबर को। फिर 1 अक्टूबर को एक और मूवी रिलीज हो रही है, लेकिन ये रिलीज हो रही है थिएटर्स के अंदर, और इसका नाम है भवाई, जिसमें कि जो है आपको देखने को मिलने वाले प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी तो याद ही होंगे आपको, स्कैम 1992, भाई साहब उनकी वजह से वो जो सीरीज थी ना उसका लेवल ही अलग हो गया था। तो फिर इस मूवी में आपको दिखने वाले प्रतीक गांधी, और इस मूवी में रोमांस भी, और उसी के साथ साथ जो है इसमें एक सोशल मैसेज भी दिया जाएगा जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे प्रतीक गांधी। तो फिर इसे देखना मत भूलना सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर 1 अक्टूबर को। उसके बाद 1 अक्टूबर को एक वेब सीरीज रिलीज हो रही है Z5 के प्लेटफॉर्म पर, और ये बेसिकली जो है ना एक बायोग्राफी है दो बहुत ही अच्छे खासे दोस्त और बहुत ही अच्छे खासे टेनिस प्लेयर्स के, इंडिया की हम लोग बात करें, जिसमें से एक है लियांडर और दूसरे है महेश भूपति। इन दोनों का नाम तो आप लोगों ने कभी ना कभी सुना ही होगा अपने जीवन में। तो फिर इन्हीं दोनों की दोस्ती के ऊपर, इन्हीं दोनों के करियर के ऊपर, और इन्हीं दोनों के बीच में जो ईगो आया था ना उसके ऊपर ये सीरीज बनी। तो फिर इसे देखना मत भूलना Z5 के प्लेटफॉर्म पर 1 अक्टूबर को। फिर हम लोग 1 अक्टूबर से सीधे जाते हैं 15 अक्टूबर पर, क्योंकि जो है ना देखो बीच में अभी ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं आया जिसकी आपको जरूरत हो जानने की, सारे छोटे मोटे कंटेंट है, तो फिर उन पर टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, इतना टाइम नहीं हम लोग के पास, तो फिर समझ सकते हो। तो फिर 15 अक्टूबर की बात करें तो फिर इस दिन जो है काफी ज्यादा हाइप्ड मूवी रिलीज हो रही है, क्योंकि ये मूवी है मार्वल की, वही मार्वल जो कि सबकी मार लेता है, और इस मूवी का नाम है वेनम का पार्ट 2। अब आपको पता तो होगा कि वेनम का पार्ट 1 कितना फेमस हुआ था, तो फिर ये वेनम का पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होगा 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को Z5 के ऊपर एक मूवी रिलीज होगी जिसका नाम है रश्मि रॉकेट, जिसमें कि जो है आपको देखने को मिलेगी तापसी पन्नू, और ये सिर्फ और सिर्फ Z5 पर रिलीज होगी, थिएटर्स में नहीं। तो फिर इसे देखना मत भूलना 15 अक्टूबर को। उसके बाद 15 अक्टूबर को ही यानी कि एक और कंटेंट आने 15 अक्टूबर को, और इसका नाम है लिटिल थिंग्स का सीजन 4। अब देखो इसके 3 सीजन आ चुके जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, जिसमें कि जन आपको एक बहुत ही अच्छा स्वीट रोमांटिक सीन सिनेरियो दिखाया जाता है। तो फिर इसे देखना तो बोलना लिटिल थिंग्स का सीजन 4 नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। और फिर 15 अक्टूबर की ही फिर से बात करते, क्योंकि इस दिन रिलीज होने वाली है सलमान खान की मूवी, यानी कि हमारे सलमान भाई की मूवी जिसका नाम है अंतिम। देखो अगर हम लोग इसके टीजर की बात करें और इसके फर्स्ट लुक की बात करें ना तो फिर ज्यादा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अब ये मूवी कैसे बनती है कैसे दिखती है तो हमें पता चलेगा जब ये रिलीज होगा 15 अक्टूबर को थिएटर्स के अंदर। अब देखो ये एक्सपेक्टेड डेट है, कोई कंफर्म रिलीज डेट नहीं है इस मूवी की, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है कि ये इसी महीने यानी कि अक्टूबर के महीने 15 तारीख को रिलीज कर दी जाएगी थिएटर्स के अंदर, और साथ ही साथ Z5 के प्लेटफॉर्म पर भी। फिर बात करें 16 अक्टूबर की, तो फिर इस दिन भी जो है एक काफी ज्यादा अच्छी खासी मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सरदार उधम सिंह, जिसमें कि जो है आपको देखने को मिलेंगे विक्की कौशल लीड रोल में, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर यानी कि सरदार उधम सिंह का जो है ना रोल निभाते हुए आपको देखेंगे। और ये मूवी रिलीज होगी अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ और सिर्फ Amazon Prime Video के प्लेटफॉर्म पर और कहीं पर भी नहीं, तो फिर इसे देखना मत भूलना। उसके बाद बात करें 22 अक्टूबर की यानी कि 22 अक्टूबर की ना, तो फिर इस दिन रिलीज होने वाली है लॉक एंड की का सीजन 2। अब देखो लॉक एंड की अगर आपको याद होगा तो फिर नेटफ्लिक्स पर जो है काफी ज्यादा अच्छी खासी वेब सीरीज थी, इसका सीजन 1 काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अब इसका सीजन 2 जो वो रिलीज होगा 22 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, तो फिर इसे देखना मत भूलना। हम लोग जो है एक नया वीडियो भी बनाएंगे जहां पर हम लोग और भी जितनी भी बची हुई वेब सीरीज और मूवीज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपकी मर्जी, नहीं कर रहा हूं तो फिर इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। यारो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर करने का मन हो तभी करना, क्योंकि मैं जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूं ना, हर इंसान की अपनी अपनी फ्रीडम होती है, तो फिर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना, रिप्लाई तो मैं कर ही दूंगा। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।